अस्सलामु अलैकुम गाइस। सो फाइनली हमारा न्यू कैमरा आ चुका है, निकॉन D7500। तो अभी मुझे कॉल आई महबूब कॉम्प्लेक्स बारामूला से कि आपका कैमरा पहुंच चुका है। तो सबसे पहले मैं जाऊंगा मुबशर भाई के पास बारामूला में, तो वहां से हम साथ में जाएंगे और अपने कैमरा को करेंगे रिसीव। तो आप बने रहिए इस वीडियो में हमारे साथ। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो फाइनली गाइस मैं पहुंच चुका हूं बारामूला मुबशर भाई के पास। तो यहां से हम सीधा जाएंगे महबूब कॉम्प्लेक्स में, पहले वहां से करेंगे हम अपने कैमरे को रिसीव। तो आप बने रहिए इस वीडियो में हमारे साथ। सो गाइस फाइनली हम महबूब कॉम्प्लेक्स में पहुंच चुके हैं, अब हम यहां से अंदर जाएंगे। तो हमें बहुत ही एक्साइटमेंट है अपने कैमरा को लेने की। तो चलिए बने रहिए आप वीडियो में हमारे साथ। हमारा कैमरा पहुंचा है। हाँ सर, आपका कैमरा पहुंचा है। इसके बगैर भी आपके पास सारे कैमरे अवेलेबल है, चाहे आपको नया चाहिए हो, यूजर कैमरा चाहिए हो, यहाँ पे एक्सेसरीज लगी हुई है। अच्छा, माइक भी है आपके पास, हर एक चीज, हर एक चीज, मेमोरी कार्ड, ये लेंसेज मिलेंगे, यूजर कैमरा मिलेंगे, नए चाहिए आपको, गिम्बल चाहिए हो, हर एक आइटम मिलेगा। गाइस हमने ले लिया है अपना D7500 4K वीडियो जिसमें उठता है, तो और भी बाकी पिक्चर क्वालिटी भी इसकी बहुत बढ़िया है। तो हमने ये ले लिए, तो अब हम इसे घर में जाकर अभी करेंगे अनबॉक्सिंग, आपको दिखाएंगे इसमें क्या क्या है। कैमरा की बिल और इसके साथ हैं दो वारंटी कार्ड, एक जो है वो लेंस का है और दूसरा जो है वो कैमरा का है। तो इसकी वारंटी होती है आपको 2 ईयर्स। तो गाइज जो प्राइस मुझे कैमरा की मिल रही थी श्रीनगर में, तो उससे 3-4 हज़ार रुपया कम मिली मुझे यहाँ पर। तो गाइज मैं भी आपसे यही कहूँगा कि ज़रूर विज़िट कीजिए महबूब कॉम्प्लेक्स बारामूला। जो भी आपको कैमरा चाहिए होगा यहाँ पर वो आपको मिलेगा, तो ज़रूर विज़िट कीजिए महबूब कॉम्प्लेक्स फार्म। तो गाइस अब हमने अपना कैमरा जो है वो ले लिया है, तो अब हम जाएंगे घर, इसको जाकर यहीं पर मुबशर भाई के घर में जाकर हम इसको हम अनबॉक्सिंग करेंगे, देखेंगे इसके अंदर क्या क्या है। तो बने रहिए आप वीडियो में।
फाइनली गाइज हम पहुंच गए मुबशर भाई के घर यहीं पर बारामूला में। तो अब हम जाएंगे अंदर, इसको करेंगे अनबॉक्सिंग, देखेंगे इसके अंदर क्या क्या है। तो चलिए तो गाइज अब हम करेंगे इसको अनबॉक्स। तो देखते हैं इसके बीच में क्या है। तो ये रहा हमारा कार्ड जिस पर लिखा हुआ है कि आपको क्या क्या करना है कैमरा के बारे में। तो ये भी कार्ड 2 ईयर वारंटी का। तो ये इससे आपको पहले क्या क्या करना है, फर्स्ट स्टेप आपको क्या है हम देख लेते हैं। पहले स्टेप क्या है, पहले स्टेप में हमें क्या करना है। चलो इसको भी बढ़िया देखते हैं पहले बीच में क्या है। हाँ तो ये रहा हमारा, हमारी वेपन जिसका नाम है D7500। बहुत ही वेट था इस कैमरे का हमें। तो ये रहा कैमरा। तो ये रहा इसका 18-144 लेंस, ऑटो फोकस, ऑटो मैनुअल दोनों है इसमें। और उसके बाद ये रही चार्जर, ये रहा चार्जर की लीड, और ये है OTG। और उसके बाद हमें बैटरी नहीं दिख रही है। हाँ ये रही बैटरी। तो अब हम बैटरी डालेंगे कैमरा में, उसके बाद नेक्स्ट बता दें हम इसका फोटो शूट दिखाएंगे। हाँ पहले हम इसको बैटरी लगाते हैं और आप देखते हैं हम इसको ऑन करके। सबसे पहले हम इसको लेंस लगाते हैं, ऑटो फोकस लेंस, ऑटो मैनुअल बोथ। हाँ ये होगी हमारी ये। उसके बाद बैटरी आपको पहले फुल चार्ज कर लेंगी, उसके बाद लगाने। लेकिन हम चेक करने के लिए हम देखेंगे कैमरा हमारा चलता भी है या नहीं। ये हो गई हमारी बैटरी और ये हो गया कैमरा ऑन। मुझे लगता है आप शाहिद भाई की पिक लो सबसे पहले हम अपने कैमरा मैन की पिक ले साथ में उनके मजनू भाई। तो ये कार्ड, ये डेमो है, इसको आप 56 की तरह 56 में अगर आप एक कार्ड के बिना, कार्ड डालने के बिना आप फोटो लोगे तो वो नहीं आपको दिखाएगी। लेकिन इसमें आपको डेमो दिखाएंगे इसके ऊपर। ये भी हम आपको, रुको भाई ज़ूम करते हैं, ज़ूम उठा के आप, ये इसकी थोड़ी स्क्रीन जो है वो थोड़ी डिफरेंट है। ये भी उठा, ये आप इसको अगर उठाओगे ऐसे दिखाओ पिक, तो ये है इसकी पिक। करो शाहिद भाई, ये हम आपको कल के ब्लॉग में दिखाएंगे, 2 दिन के बाद जो हमारा ब्लॉग आएगा, हम इसकी वीडियो क्वालिटी। और ये सबसे मेरे ख्याल से ये फ़ोटो से अच्छे इसमें वीडियोस आते हैं। ये 4K अल्ट्रा HD इसमें रिकॉर्ड होता है, और 56 में खाली HD रिकॉर्ड होता है, इसमें 4K रिकॉर्ड होता है। और उसके बाद ये रहा इसका चार्जर। और अब हम नेक्स्ट ब्लॉग में हम आपको इसकी फोटोग्राफी भी दिखाएंगे, कैसी फ़ोटो है इसके, और वीडियो भी उठा के दिखाएंगे। तो बने रहिए आप हमारे साथ, नेक्स्ट ब्लॉग में हम आपको इस कैमरा का सब कुछ दिखाएंगे, इसमें फ़ोटो कैसे आते हैं। तो प्राइस मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यहाँ बोलने की ज़रूरत नहीं है, तो वो आप देख भी सकते हो अमेज़ॉन पर या और किसी। तो फिलहाल हम इसको ऐसे ही रखते हैं, तो फिर उसके बाद हम इसको करेंगे, इसके ऊपर हम बनाएंगे वीडियो कल या परसों, जिसमें हम एक फोटोशूट भी बनाएंगे और सिनेमेटिक शॉट्स भी कुछ उठाएंगे, जिसमें आपको हम दिखाएंगे इस कैमरा के बारे में कि कैसा ये कैमरा है। तो फिर अभी यहाँ फिलहाल हमें भी इतना कुछ खास पता नहीं है, तो हमने पढ़ा तो है इसके बारे में, तो लेकिन अभी हमने चलाया नहीं। तो अब हम देखते हैं, आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए आप चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और बने रहिए साथ। तो अल्लाह हाफिज़।